नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज एक और नई वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निकली है कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट, तो जिसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं यूपी पुलिस की होम पेज वेबसाइट पर। अब इस पर देखते हैं, ये देखिए टॉप में चल रहा है यूपी प्लस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए, ये भी उसी भर्ती में शामिल है। और एक और होगा, देखिए ये मैंने एडवर्टाइजमेंट पे लिंक खोला है, ये इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। ये वेबसाइट है upppv.gov.in पर उपलब्ध होंगी, कृपया समय सारणी देखें। उत्तर प्रदेश में पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष एवं महिलाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर पे बैंड 5200 से लेकर 20200, ग्रेड पे पर 2400। नए वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स के रूप में 25500 से 81100 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये आपका अवेलेबल रहेगा और पे बैंड में 5200 से 20000 हो जाएगा। इसके जो आवेदन हैं, इनकी पोस्टों की संख्या टोटल 930 है। इसमें यूआर और अनक्षित की बात करें, सामान्य वालों के लिए 381 पोस्ट हैं और AWS के लिए 91 पोस्ट हैं, जिसमें OBC वर्ग के लिए 249 पोस्टें दी गई हैं और SC के लिए 193 पोस्ट, ST के लिए टोटल 16 पोस्टें हैं। इसमें सारी पोस्टें मिला के 930 पोस्टें होती हैं। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड एक के पद पर भर्ती हेतु पुलिस एवं महिला अभ्यर्थी पात्र हुए। इसमें जेंडर का कोई इशू नहीं है। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ये तो फिक्स है कि जो पोस्ट हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, इनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, वो बिना कोई कारण बताए। आवेदन की समय सारणी, आवेदन शुरू होंगे, शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि है 7 जनवरी 2024 से लेकर, और आवेदन जमा या शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी 28 जनवरी 2024। शुल्क जमा करने के बाद या शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 30 जनवरी, इसके बाद कोई भी संशोधन नहीं होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए 400 रुपये फिक्स किए गए हैं, ये 400 रुपये ही लगेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी में देखिए, राष्ट्रीयता में भारतीय होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से निवासी हो, या 1962 के पूर्व भारत आया हो। अब नीचे बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के लिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, यानी कि जैसे होता है ना, इंटरमीडिएट भौतिक शास्त्र और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एवं ये ध्यान देने वाले, यहाँ पे लिख रहे हैं एवं, अगर ये नहीं है तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा अच्छा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समकक्ष निर्धारण शासन आदेश दिनांक 5 मई 2022 को परिशिष्ट 1 में के अनुसार किया जा सकता है, या फिर प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी कि जो आप एलिजिबिलिटी देख के फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी वो आप परीक्षा देना है, अभी रिजल्ट नहीं आया, नहीं, आपके पास अंक तालिका और उससे प्रमाणित होने चाहिए। अब अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, और इसमें अन्य बातें जो डिजायरेबल इसको बोलते हैं अधिमानी अर्हता है, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या NCC भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या तीसरा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ सफलतापूर्ण उत्तीर्ण किया हो। आयु की बात करें तो यहाँ पर 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से आयु अधिक आयु प्राप्त ना की हो।
अभ्यर्थी का जन्म 1795 से लेके 1705 के बाद नहीं होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट भी हो, वैवाहिक स्थिति में ऐसा पुरुष जिस अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने एक ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी एक से जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। इसमें टिप्पणी में बात करते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी दुर्विवाह अथवा बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर से उसका अभ्य कैंडिडेचर नष्ट कर दिया जाएगा, उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी डिबार किया जा सकता है, प्रतिबारित, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, कोई भी प्रकार की हेल्थ इश्यू ना हो। और भर्ती में चयन प्रक्रिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग राजपत्र नॉन गजेटेड सेवा नियमावली 2011 यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग नॉन गजेटेड सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2015 के अधीन अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगी, इसे आप पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा होगी 200 नंबर की होगी, लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा ऑनलाइन होगी, परीक्षा 2 घंटे की होगी, कुल 160 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा कुल 160 प्रश्न, और इसमें प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा, परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा में आपके सब्जेक्ट रहेंगे सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होगी, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न पद का स्तर पद के अपेक्षा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अनुरूप होगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम अनेक्सेट 2 में संलग्न है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभ्यर्थी के संख्या के अनुसार एक ही तिथि को एक ही पाली में कराई जाएगी। किसी भी कंडीशन में कारणवश एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में भी कराई जा सकती है। एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों में परीक्षा कराए जाने की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग टेस्ट यानी कि टंकण परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो टाइपिंग टेस्ट में पास होते हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय किया जाएगा। लेकिन परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार शिष्ट सूची तैयार की जाएगी। मतलब रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही एक लिस्ट तैयार की जाएगी। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची समीक्षा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नॉर्मलाइजेशन अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा। इस विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रदर्शित करेगा तथा बोर्ड इसकी वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित करेगा। मतलब अंतिम सूची आपकी वेबसाइट के द्वारा ही शो की जाएगी और बोर्ड के द्वारा इसमें देखिए पॉइंट में यानी कि बी पॉइंट में क्लियरली लिखा है कि बोर्ड द्वारा कोई भी वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। तो अगर फाइनल लिस्ट में आता है तो ठीक है, अगर उसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी कि आपका सिलेक्शन होने के चांस हो। आरक्षण आयु सीमा में छूट, तो आरक्षण केवल उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश की लोक सेवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 पर, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों EWS के लिए आरक्षण 10% और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020, ये देखिए आप लिखा आरक्षण अधिनियम 2020 दिनांक 31/8/2020 के अनुसार किया जाएगा। EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिसके परिवार के समस्त स्रोतों वेतन कृषि व्यापार और व्यवसाय के आवेदन करने के वर्ष से के पूर्व वर्ष की आय 800,000 रुपये से कम है, यानी आवेदन भरने से पूर्व 800,000 रुपये से कम है तो EWS की कैटेगरी में आएगा, उसको छूट मिली है। जिन अभ्यर्थियों ने EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है उनके द्वारा आवेदन की अंतर्वृत्ति के पूर्व निकल आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय 23-24 हेतु वैलिड यानी कि जो आपका ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो, वैलिड EWS सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या इस डॉट के अनुसार बेहद व्यवस्थाओं के अनुसार मान्य होगी। महिला उपदत्त उक्त आरक्षण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के 16/1/2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील इनकी जो कोर्ट के द्वारा है वही आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। अभी यहाँ पर देखते हैं चार्ट के हिसाब से एससी के लिए आयु में छूट 5 वर्ष, जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप इन्होंने दिया है, जिलाधिकारी अतिरिक्त जिला अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट परगना मजिस्ट्रेट तहसीलदार इनमें से किसी के द्वारा इश्यू होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए ये जिलाधिकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो कैटेगरी दी है इनके इन ऑफिसरों के द्वारा ही इश्यू किया हुआ हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आयु में छूट तो नहीं दी है लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इसमें वैकेंसी में 2% का वेटेज है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, महिला को 20%। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जाएंगे, ऑल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों की सीधी भर्ती का लिंक आ जाएगा, वहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रियाओं को पूर्ण करना डिटेल फिल करेंगे, सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत इंस्ट्रक्शन को भली भांति समझ लें तदनुसार, यानी कि पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें उसके बाद ही फॉर्म फिल करें क्योंकि इसमें संशोधन माइनर ही होगा। इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग UPI किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और शुल्क जमा करने के बाद अच्छा और इसमें यह भी दिया गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क लगेगा UPI का उपयोग करके आवेदन शुल्क भुगतान करें। ऑनलाइन व्यय अगर कोई है तो अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगता है तो वो कैंडिडेट खुद देगा। ऑनलाइन शुल्क के सफलता को जमा होने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र तो प्रिंट करते ही सबमिट हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अंतिम रूप से सबमिट नहीं करता है तो अंतिम तिथि को आवेदन पत्र तो स्वतः ही सबमिट हो जाएगा, तो इस फॉर्म में सबमिट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फीस जमा हो गई फॉर्म लॉक नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्र जो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है वहाँ से अपलोड कर सकते हैं इजीली। और ये फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर साइन की बात करें तो अभ्यर्थी के रंगीन फोटो आवेदन में उल्लेखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB से लेकर 50 KB की हो और साइन 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में ही स्कैन करें। और यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम यानी कि लेटेस्ट फोटो होने चाहिए, कम से कम 3 महीने से पुरानी ना हो। फोटो का आकार 35 mm यानी कि 1.4 इंच × 1.75 इंच होना चाहिए। 70 फोटो में 70% चेहरे का भाग हो, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड पूरी बॉडी आ रही है। कैमरे पर नजरें, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए, टोपी में मफलर आदि ना पहना हो, 20 से सिर तक साफ दिखाई देता हो। और नीचे बाकी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा, कोई इम्पोर्टेंट ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है। ये आपका प्रारूप है, ड्राफ्ट दिया गया है। कौन कौन से डिप्लोमा आपके लिए वैलिड माने जाएंगे, जैसे कि केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC NIT मान्यता प्राप्त 10 दिन के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि के नियम ADC ADCA इनमें से कोई भी डिप्लोमा आपका वैलिड होगा जो लिस्ट में दिए गए हैं। बाकी जो इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस है उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और अभी तक चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट और